नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, गोरखपुर सदर सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपना नामांकन दाखिल किया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। अब एक बहुत बड़ी खुशी खबर निकल कर आ रही है, आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के सभी अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कि चंद्रशेखर आजाद का जो नामांकन है वो स्वीकार कर लिया गया है कलेक्टर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। यानी कि अब ऑफिशियल तौर पर चंद्रशेखर आजाद को इजाजत मिल गई है सरकार की तरफ से कह लीजिए या फिर प्रशासन की तरफ से कह लीजिए कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। और अब हमें एक महामुकाबला गोरखपुर सीट पे देखने को मिल सकता है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद वर्सेस योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट भी किया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि आज मेरा नामांकन स्वीकार कर लिया गया है प्रशासन की तरफ से। अब यूपी की जनता, गोरखपुर की जनता पिछले 5 सालों के अत्याचार का, अन्याय का हिसाब करेगी और बाबा जी चुनाव हारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 16 तारीख को मैं संत शिरोमणि रविदास महाराज का आशीर्वाद लेकर अपने अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में सभी विधानसभाओं में जाकर वोट मांगूंगा और ये अत्याचारी तानाशाही सरकार को हटाने के लिए सभी जनता से निवेदन करूंगा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख, उनका जो नामांकन है, नामांकन पत्र है, वो स्वीकार कर लिया गया है। अब ऑफिशियली प्रशासन की तरफ से इजाजत मिल गई है चंद्रशेखर को कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप उनको समर्थन करते हो या नहीं करते हो, नीचे कमेंट जरूर करें।